नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम अबोबो टॉक्स में। हॉकी जो कि हमारा राष्ट्रीय खेल है, पर दिनों दिन ये अपनी पहचान खोता जा रहा है। लोग क्रिकेट के प्रति अपना बहुत रुझान दिखा रहे हैं, तो आज हम आपको हॉकी के एक मशहूर खिलाड़ी से मिलाना चाहेंगे, जो कि देश विदेश जाकर और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में ट्रॉफी जीत चुके हैं और भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो आज हमारे बीच उपलब्ध हैं मिस्टर पेले सिंह। अरे आप क्यों रो क्यों रहे हैं आप? इससे पहले, अरे प्लीज़ आप रोना बंद कीजिए। नहीं, इससे पहले मेरी इतनी तारीफ किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया मेरी इससे पहले इतनी तारीफ। नहीं आप प्लीज़ पहले रोना बंद कीजिए आप। मन भर गया मेरा, पूछिए साहब आप क्या पूछना चाहते। देखिए पहले आप रोना बंद कीजिए, हम क्या है आपसे कुछ सवाल पूछेंगे आपके बारे में और आपके हॉकी के बारे में, जो आपने स्वर्ण पदक जो जीता है और कई देश विदेश जाकर, पर आप पहले रोना बंद कीजिए आप। क्या है कि मेरा मन भर गया, आपने इतनी तारीफ जो करे ना मेरी, मन भर गया मेरा, इतनी तारीफ मेरी इससे पहले किसी ने नहीं किया था। पूछे आप जो पूछेंगे मैं उसका पूरा सही सही जवाब दूंगा, और मैं आपके कार्यक्रम में एक भी झूठ नहीं बोलूंगा, पूरा सच बताऊंगा मैं। हाँ तो आपको पूरा देश लाइव देख रहा है, आप झूठ बोल भी नहीं सकते यहाँ जी। हाँ तो सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए जी आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछेंगे जी कि हॉकी के प्रति आपका लगाव कब से शुरू हुआ? देखिए भैया, मैं आपको मैंने पहले ही बोल दिया मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने हॉकी आज तक के नहीं खेला है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मैंने हॉकी आज तक के नहीं खेला है। मैं गुल्ली डंडा का जो गेम होता है मैं उसका प्लेयर हूँ, मोहल्ला प्लेयर। अच्छा। मैं घर तरफ जो है गुल्ली डंडा खेलता था, मैं हाथ में गुल्ली रहती थी, टोल रहता था, मैं डंडे से उसको उछकाता था, मारता था, फिर दौड़ के जाता था, लेके आता था, ऐसा मेरा जीवन चल रहा था। पर मेरे भाई ने, जो मेरा बड़ा भाई है, उसने मुझे एक दिन फर्जी जो है वो पकड़ा दिया हॉकी का डंडा। अच्छा। और लोग मुझे मेरे मोहल्ले में हॉकी प्लेयर बोलने लगे, इसीलिए मेरा जो है एक रुतबा हॉकी प्लेयर के नाम का बन गया, नहीं तो मैंने हॉकी आज तक के नहीं खेला। पर हमारे जो सहायक रिपोर्टर है जो हमने आपके घर भिजवाए थे, उनसे हमको ये डाटा प्राप्त हुआ है कि आपने जी जो क्या है देश विदेश जाकर बहुत ही टूर्नामेंट में हाँ स्वर्ण पदक जीता है, हाँ और भारत का प्रतिनिधित्व किया है, और आपके घर पे भी बहुत सारी ट्रॉफियाँ देखी गई है, तो आप बताएंगे जनता को सच्चाई इसकी क्या है? जी, मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो देश विदेश जाने वाली बात थी हाँ वो तो हमने मोहल्ले में फैलाई थी, ऐसी अच्छा, फैलाई थी हमने। अच्छा, और जो आप बात कर रहे थे कि वो पदक वदक की एशियन गेम्स में जो हमने जीता, वो देखिए ऐसी बात नहीं है। अक्सर क्या होता है कि हमारे मोहल्ले में गेम का ऑर्गेनाइजेशन जो है, प्रतियोगिता जो है करवाई जाती है। अच्छा। तो ऐसी हमारे मोहल्ले में कराई गई प्रतियोगिता, तो उसका नाम कुछ रखते नहीं बन रहा था, तो हमारे मोहल्ले वालों ने क्या किया, उसका जो नाम है उन्होंने रख दिया एशियन गेम्स हॉकी टूर्नामेंट, ग्राम ढीमर टोला, तहसील बालाघाट, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश। ये नाम रख दिया आपने? ये नाम रख दिया, तो इसीलिए जो है ऐसा नाम पड़ गया। और यहाँ किस्मत का खेल देखो कि हमने पहली बार उस समय हॉकी उठाई थी अपने हाथ पे, भरे मैदान में है, हॉकी के झूठ नहीं बोलूंगा मैं, तो पहली बार उस समय हमने हॉकी उठाई थी, तो वो गेम हम जीत गए। अच्छा। हमारी टीम वाला गेम जीत गई, हमने अकेले नहीं जीता, हम तो खड़े थे, हमको बता दिया गया कि एक गेंद है, एक डंडा है, तुमको बस मारना है, वो गोल रहेगा, वो बास्केट टाइप का, उसमें बस डालना है गेंद मार के, हमको इतना बताया गया, हमको हॉकी पकड़ा दी गई और वो टीम जीत गई, और हमारा मोहल्ले भर ये प्रचार हो गया कि ये एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाए। तो आपको ये जो इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट जो रहता है अपना, हाँ वो आपने अपने खेल में अपना नाम रख दिए, तो आप कैसे कर सकते हैं ऐसा? अब कैसा कर सकते, क्या बताया भैया, देखो हमारे गांव है, छोटा सा गांव है ढीमर टोला, अब ऐसा वैसा हम रखते तो भैया कोई नहीं आता,
इसलिए हमने एशियन गेम्स नाम रखा ताकि लोग इसके प्रति रुझान दिखाएं। और जो लोग अब कोई क्या है अब हाँ, समझ नहीं होती हाँ, ज्यादा। और जो आप बोल रहे थे कि वो जो है ट्रॉफियां जो हमारे घर पे रखी रहती है, अब देखो भैया हम कहीं बाहर खेलने गए हैं, कुछ भी गेम खेलने गए हैं, तो अब हम इतनी उम्मीदों से गए हैं घर वालों की, तो हम वहां से कैसे खाली हाथ आ जाते। अच्छा, हम जो है रेलवे स्टेशन से उतरते थे जब हम हार के आते थे तो, और हम रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद सीधा रतन स्पोर्ट्स जाते थे। अच्छा, रतन स्पोर्ट्स जी, और वहां से हम जो है ट्रॉफियां खरीद लेते थे। अच्छा, और उसको ही घर और मोहल्ले में दिखाते थे कि हमने ये जीत के लाए। यानी ऐसी धोखेबाजी आप दिखाते थे अपने। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच बोलूंगा। आप प्लीज रो रो ये मत, ऐसा रोना आ जाएगा हमको भी थोड़ा। आपने दिल भर दिया, शुरुआत में ही दिल भर दिया आपने हमारा। आप रोना बंद कीजिए प्लीज, आप रोना बंद कीजिए, जनता भी आपको देख के रो देगी, आप प्लीज रोना बंद कीजिए। ठीक है भैया। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने कभी हॉकी खेले नहीं है? नहीं, हमने कभी हॉकी नहीं खेली। अच्छा, ऐसी बात है जी। तो आप हमको जो है मुद्दे से भटका रहे हैं। आप क्या है, आप यहाँ इंटरव्यू के लिए फिर कैसे पहुँच गए? जब आपको हॉकी खेलना आता ही नहीं है तो आपको यहाँ कैसे घुसने दिया? वो तो हमने झूठ बोला ना। आपने अभी बोला है कि हम आप सच्चाई यहाँ बताने आए हैं, फिर आप झूठ बोल के यहाँ घुस गए। पर ये क्या बात हुई? झूठ अपने मोहल्ले में बोला था, अब तुम्हारे रिपोर्टर जाकर के गलत इन्फॉर्मेशन ला के तुमको दे रहे हैं, इसमें हमारी क्या गलती? नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं, उन्होंने जो देखा आपके घर में उन्होंने हमें वही बताया, वो हमें सच्चाई बता दी आपको अब। हाँ, तो आपका हॉकी में कोई रुचि नहीं है? कोई रुचि नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए कि हॉकी के प्रति आपका तो कोई रुझान मुझे देखने यहाँ मिल तो नहीं रहा है, पर मैं बस जनता ये जानना चाहती कि आप हॉकी का खेल कभी देखे हो आपने? हाँ, हमारे शहर में जब भी, अब क्या है हम जुड़ चुके थे हॉकी से, एक बार हमने एशियन गेम्स वाली बात आपको बता दी है। अच्छा, हाँ। तो जब भी कोई शहर में प्रोग्राम होता था तो हम देखने चले जाया करते थे, पर हम देखने के उद्देश्य से कभी नहीं गए हॉकी। अच्छा, हम तो क्या करने जाते थे आप? हम देखिए, हम हॉकी शुरू होने के पहले जो है हम एक घंटा पहले चले जाते थे, और जो हॉकी का कोर्ट होता है टीमों का, हाँ, जहाँ पे टीमें बैठती है, हाँ, वहाँ पर क्या रहता है, एक घंटे पहले जो है आधा घंटा पहले टीम आती है, हाँ, आ जाती हॉकी है। खेलने वाली माफ कीजिए डकार आ रही है, ले लीजिए तो, डकार पहले। हाँ, तो हॉकी जो आती है ना, हाँ, वो अपना टीम, प्रैक्टिस सेशन करते हैं अपना। हाँ, हाँ, टीम जो आती है तो वो सब मोबाइल चलाते हुए आती है, तो हम उनके बाजू में बैठते थे। हाँ, और जो मोबाइल वो चला करके जहाँ पर रखती थी, अच्छा, हम उस जगह के बाजू में बैठना ज्यादा पसंद करते थे। हाँ, कि जब भी समय मिले, हाँ, जब भी समय मिले हम उनके मोबाइल रखे हुए बैग को लेकर के उड़ सके। यानी आप चोरी चकारी के उद्देश्य से वहाँ बैठते थे, आप ये बता। हाँ, मैंने पहले बोल दिया मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपके प्रोग्राम में, मैं चोरी भी करने का जो है, हाँ हाँ, लत लग गई थी हॉकी के क्षेत्र में आने के बाद। अच्छा अच्छा, तो ये बहुत ही बुरी आदत आप जो बता रहे हैं जनता को, पर आप जो जनता को, पूरी जनता को, आप पूरा देश लाइव देख रहा है, आप खुद ही बता रहे हैं कि हम इस उद्देश्य से वहाँ बैठते थे जी। तो क्या है, ये बहुत ही एकदम जो सही इंसान जो रहता है ना जी, वो खुद ही अपनी बता सकता है बुराई। तो मैं सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए जी आपसे नेक्स्ट सवाल ये पूछूंगा कि आपका हॉकी के प्रति तो कोई ध्यान है ही नहीं? नहीं है कि नहीं? तो नहीं। आप इंटरव्यू जो देने यहाँ पे पहुँच गए तो आपको इतनी समझ होना चाहिए कि जब मैं हॉकी खेलता नहीं, हाँ, तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। पर क्या करें, हमको आपके रिपोर्टर आए घर पे, बोले चलो यार तुमको रिपोर्ट इंटरव्यू देना है हॉकी के लिए, तो हम आना पड़ा भैया, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था। आपने क्या है, हमारा भी और पूरी देश की जनता का टाइम वेस्ट कर दिया है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको सहायक रिपोर्टर को बता देना चाहिए था कि ऐसी ऐसी बात है, वो खुद ही हमें बोलते तो आप यहाँ नहीं आते। क्या है, मैं भी जबलपुर जाने वाला था कल, और आज मैं जबलपुर में होता, पर मैं आपके कारण यहाँ रुका हुआ कि हॉकी की शख्सियत से मैं आज मिलूंगा और उसको लाइव देखूंगा और पूरी जनता देखेगी, पर आपने मेरा भी और पूरी जनता का टाइम वेस्ट कर दिया है, तो आपको शर्मिंदा होना चाहिए इस बात के लिए। आपके मजाक लग रहा है ये सब, पूरा देश आपको लाइव देख रहा है।
मैं कुछ नहीं कर सकता, आपके रिपोर्टर की गलती है। रिपोर्टर की गलती है, रिपोर्टर की तो मैं भी खबर लेता हूँ। तो आप कार्यक्रम की जो आखिरी घड़ी है उसमें कुछ कहना चाहेंगे? मैंने तो सब सच कह ही दिया है, देश दुनिया के सामने मेरी इज्जत उतर ही गई है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। तो देखिए, हमारे बीच जो ये पेले सिंह जो मौजूद थे, उन्हें किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, और इनका जो स्क्रू है वो पूरी तरीके से ढीला हो चुका है, और ये मेंटली पागल हो चुके हैं। इनको क्या है, जल्दी से पागल खाने भिजवाया जाए, और हम पूरी जनता से बहुत क्षमा चाहेंगे कि हमने जनता का टाइम वेस्ट किया और अपना भी। और अगली बार जब हम अच्छी जांच पड़ताल के साथ किसी और नई शख्सियत के साथ पहुंचेंगे, तो यही कहकर मैं धन्यवाद करता हूँ।